अभी मैं खड़ा हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल पर, देख सकते हैं यह है ईस्टर्न पेरिफेरल और ये निकल के जा रहा है दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो कि दुबई डिपो के लिए जा रहा है। और ये देखिए ये ट्रैक स्लैब रखे हुए हैं, कितने सारे ट्रैक स्लैब हैं, इस पर ट्रैक स्लैब ही डाले जा रहे हैं जो कि ये मेरठ के यार्ड से लेकर आ रहे हैं ट्रकों द्वारा, देख सकते हैं। और इस पर बिजली के इलेक्ट्रिक के खंभे भी लगा दिए गए हैं, इस पर ओवरहेड इक्विपमेंट नहीं लगाया गया है अभी तक। और ये है ईस्टर्न पेरिफेरल जिस पर हम खड़े हुए हैं और ये नीचे है दुहाई डिपो जो कि गाज़ियाबाद के अंतर आता है। तो ये आपको बता दूं कि सन 2023 के मार्च में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी रैपिड रेल चलने के लिए। गई तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये है तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है और साइड में ट्रैक स्लैब भी रखे हुए हैं, देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन का सामान है सारा। और ये जो ऊंचे ऊंचे से बन रहे हैं इसमें ये कंक्रीटिंग मिक्सचर की जाती है और उसके बाद में ये फिर इस पर पिलर भरे जाते हैं। और देख सकते हैं ये हैं ट्रैक स्लैब, सारे के सारे ये ट्रैक स्लैब हैं जो रखे हुए हैं और इसके ऊपर पटरियां बिछाई जानी है, इस ट्रैक के ऊपर, इस स्लैब के ऊपर इस पर पटरियां बिछाई जाएंगी, फिर ये बिल्कुल कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत के चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स देखते रहो केपी संत के चैनल पर। तो आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर कितना काम हो चुका है पैकेज टू। हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे वहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका है। तो मैं आज आप लोगों को पैकेज टू दिखाने वाला हूँ जो कि मैं अभी इस टाइम पर खड़ा हुआ हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल पर, देख सकते हैं मेरे पीछे। और यहाँ से ये चला जाता है दिल्ली के लिए और इधर चला जाता है बागपत के लिए। तो देख सकते हैं ये दिल्ली की साइड में कितना कुछ वर्क चल रहा है। तभी ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, मतलब कि रोड को एक्सटेंड किया जा रहा है दोनों साइडों में और फिर उसके बाद में बीच में पिलर बनाए जा रहे हैं, तो आगे बना दिए गए हैं। तो फिर हम चलेंगे इसके बाद में बागपत की साइड में, ये चला जाता है बागपत के लिए, इधर सामने ये बागपत के लिए चला जाता है। और यह है ईस्टर्न पेरिफेरल देख सकते हैं, और वो बागपत का बोर्ड भी लगा हुआ है वहाँ पर, देखिए वो बागपत का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो आज आप लोगों को बागपत की साइड का दिखाने वाला हूँ मैं पैकेज टू, और चलते हैं तो दिखाते हैं और बने रहिए केपी संत के साथ में। और अच्छा वीडियो लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो चलिए गाइस, ये है ईस्टर्न पेरिफेरल देख सकते हैं, ये हमारे NCR का जो कि बहुत बड़ा गोल चक्कर बनाया गया है दिल्ली गाज़ियाबाद, और आपका ये कुंडली मानेश्वर होता हुआ निकल जाएगा। और ये बनाया जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हैं मेरे राइट में, और बीच में ये बनाया जा रहा है अंडरपास, व्हीकल अंडरपास देख सकते हैं, वो वहाँ पर पिलर बना दिए गए हैं जो कि ये फर्स्ट पैकेज। और आज मैं लेके चलने वाला हूँ आप लोगों को, ये चला जाता है दिल्ली के लिए, और यहाँ तक अगर ऊपर चढ़ेंगे तो ये चला जाएगा KMP पर चढ़ जाएगा, तो हम आगे चलेंगे फिर यू टर्न लेके आएंगे गाइस।